सो गाइस, टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट म्यूजिक, जहां मैं आपको टॉप 5 बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर्स बताने वाला हूं, जो कि अंडर 2000 रुपीज में आ जाते हैं एंड डेफिनेटली अपने अपने प्राइस पे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होने के साथ साथ आपको मैक्स पॉसिबल फीचर्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर आप अपने लिए भी कोई ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहते हो बट कंफ्यूज्ड हो, देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लिस्ट बताने से पहले आपको बता दूं, सभी ब्लूटूथ स्पीकर्स का बेस्ट डिस्काउंटेड बाइंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बट वहाँ जाने से पहले मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा जरूर देख लें। भाई गाइस, लिस्ट में नंबर 5 पे आते हैं इन्फिनिटी के Q100, जो कि JBL या फिर मैं कहूँ हार्मन की तरफ से ही आता है। ये जो स्पीकर है ना, अपने प्राइस में आपको काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहले लुक एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना, तो लुक वाइज काफी कॉम्पैक्ट साइज में आते हैं। IPX7 की आपको वाटरप्रूफ रेटिंग मिल जाती है, तो अगर ये स्पीकर पानी में भी गिर जाते हैं ना तो खराब नहीं होते। 9 hours का आपको म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। बाकी ड्यूल इक्वलाइजर मोड से, जहाँ पे आप नॉर्मल अगर कोई म्यूजिक सुनना चाहते हो वो सुन सकते हो, बाकी आप इसको डीप बेस मोड पे भी सेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ वॉल्यूम लॉकर्स मिल जाते हैं, प्ले बटन मिल जाता है, आप इसको गूगल से कनेक्ट कर सकते हो। एंड द एक्स्ट्रा फीचर, यहाँ पे आपको ड्यूल स्पीकर कनेक्ट मिल जाता है, मतलब कि अगर आप सेम 2 स्पीकर खरीदते हो तो दोनों को आपस में भी कनेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको माइक भी मिल जाएगा, तो कॉलिंग वगैरह भी आप इससे कर पाओगे। एंड कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है, सो दैट आप इसको पूल के आसपास भी ले जा सकते हो। बाकी गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसका प्राइस है अराउंड 1500 रुपीज है। एंड एट दैट प्राइस ये डेफिनेटली काफी अच्छा प्रोडक्ट है। स्पीकर्स के जो ड्राइवर है वो अराउंड 4.5 वॉट्स के, जो कि काफी ठीक ठाक म्यूजिक आपको देने में कैपेबल है। सेट नंबर 4 वी हैव JBL Go, जो कि अगेन हार्मन की तरफ से ही आते हैं। ये भी पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर हैं, जो कि रेक्टेंगुलर साइड में आते हैं, काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज में भी आते हैं। ऊपर की तरफ आपको सभी तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक ऑन ऑफ, वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन एंड कॉलिंग एंड ब्लूटूथ मोड का ऑप्शन। आपको इसमें JBL का सिग्नेचर साउंड मिल जाता है, जो कि अगर JBL के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो तो आपको पता ही होगा। 3 वॉट्स के स्पीकर हैं, बट जो साउंड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। आपको 5 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है, ब्लूटूथ स्ट्रीमिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको नॉइस कैंसिलेशन स्पीकर फोन मिल जाता है, मतलब कि अगर आप फोन से कनेक्ट करके इसके थ्रू फोन से बात करना चाहो ना तो माइक स्पीकर का ही यूज होगा। एंड स्पीकर का जो माइक है वो आपको नॉइस कैंसिलेशन भी प्रोवाइड कर देगा, जो कि आसपास के एनवायरमेंटल नॉइस को कैंसिल कर देता है। बाकी यहाँ पे आपको 3.5mm जैक का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसको अलग अलग डिवाइस से भी कनेक्ट कर सकते हो, एंड ब्लूटूथ के थ्रू तो आप इसको चला ही सकते हो। बाकी 1 ईयर वारंटी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं तो अराउंड 1800 रुपीज का प्राइस है। आई नो एक्सपेंसिव प्राइस है, बट अगर आप एक प्रीमियम ब्रांड का कोई स्पीकर चाहते हो देन JBL का ये वाला कंसीडर कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। इस नाउ नंबर 3 विच इज MI आउटडोर ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि अगेन एक काफी अच्छे स्पीकर है। लाइक आपको एक फुल्ली पोर्टेबल स्पीकर चाहिए छोटे से कॉम्पैक्ट साइज में, देन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्पीकर का ड्राइवर है वो 5 वॉट्स का आता है, 20 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी। जो साउंड ड्राइवर है वो एक डायनामिक ड्राइवर है। IPX5 की आपको प्लस प्रूफ रेजिस्टेंस मिल जाती है। ये ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है, तो डुअल मोड को सपोर्ट कर सकता है। मीनवाइल आप 2 स्पीकर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, या 2 डिवाइसेस को इस एक स्पीकर से भी कनेक्ट कर सकते हो। बाकी कम्प्लीटली कम्फर्टेबल है विद वॉइस असिस्टेंट, आप इसको एलेक्सा या फिर सिरी या फिर गूगल असिस्टेंट किसी से भी चला सकते हो। एंड 1 की कॉल फंक्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। काफी लाइट वेट एंड छोटे स्पीकर है, एंड एक अलग से थ्रेड के साथ आता है, जिसके थ्रू आप इसको हाथ में होल्ड कर सकते हो या कहीं लटका सकते हो। प्राइस की बात करूँ तो अराउंड 1650 रुपीज है, एंड इस बजट में आपको काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। चाहे आप बात करो म्यूजिक की, चाहे आप बात करो बैटरी की, ओवरऑल काफी अच्छा स्पीकर है, पंची बेस देता है, एंड एक परफेक्ट ट्रेवल भी मिल जाती है। गाइस नंबर 2 बोट स्टोन 650, ये जो स्पीकर है ना गाइस, केवल उन लोगों के लिए रिकमेंड करता हूँ जिनको ज्यादा फीचर्स नहीं चाहिए बट उनको साउंड काफी ज्यादा चाहिए, उनको साउंड के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। उनका जो बजट है वो 2000 रुपीज के आसपास है। तो गाइस यहाँ पे आपको 10 वॉट्स का स्पीकर सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे इसमें आपको 2 स्पीकर लगे हुए हैं। साइज के मामले में थोड़े बड़े स्पीकर है। IPX5 की आपको रेटिंग मिल जाएगी। 7 आवर्स का आपको प्लेबैक टाइम मिलता है। 10 वॉट्स के स्पीकर है, तो साउंड आपको काफी ज्यादा मिलेगा इनसे। बाकी ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट है, एंड के थ्रू भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। लेफ्ट या राइट साइड में आपको सभी तरह के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जो कि बटन की फॉर्म में आते हैं। ये स्पीकर्स केवल जिम फ्रीक्स वगैरह उन लोगों के लिए जिनको साउंड काफी ज्यादा चाहिए होता है, पावरफुल बेस चाहिए, या फिर आप डांस वगैरह करते हो आपको उस पर्पस के लिए चाहिए, या पार्टी वगैरह के लिए ये स्पीकर काफी सही है। प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, एंड IPX5 की रेटिंग भी है, तो डस्ट वगैरह से आप बचा सकते हो। बाकी 1 ईयर वारंटी आपको मिल जाएगी। प्राइस की बात करूँ तो अराउंड 1989 रुपीज के प्राइस पे अभी ही आपको मिल जाएगा।
गाइस नाउ नंबर वन, जो कि आपको मीवी का रोम 2 मिल जाता है। अभी गाइस आप कहोगे कि ये आप 2000 रुपीस में कैसे कंसिडर कर सकते हो, सो गाइस डेफिनेटली आपने इसको 2000 रुपीस में कंसिडर कर सकते हैं। इनका जो प्राइस है वो 1200 रुपीस है, बट 1200 रुपीस में आपको 2000 रुपीस के स्पीकर्स की जो वैल्यू नहीं देता ना, वो वैल्यू दे देता है। सबसे पहले मीवी एक इंडियन ब्रांड है, यहाँ पर आपको 5 वॉट का स्पीकर देखने को मिल जाता है। ये जो स्पीकर है कम्प्लीटली पोर्टेबल है एंड काफी ज्यादा अच्छी आपको स्टूडियो क्वालिटी साउंड दे देता है। पावरफुल बेस है, 24 आवर्स का आपको प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। बाकी ये भी वाटरप्रूफ आते हैं, मीनवाइल IPX7 की रेटिंग के साथ आते हैं। बाकी डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है एंड इनबिल्ट माइक मिल जाता है, जहाँ पे आप वॉइस असिस्टेंट वगैरह को चला सकते हो या फिर कॉलिंग वगैरह करनी है वो कर सकते हो। तो देखो इन लास्ट वर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ, पूल पार्टीज वगैरह करनी है, ट्रैवलिंग वगैरह करनी है, उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। 1200 रुपए के प्राइस पे तो काफी सस्ते प्राइस में आ रहा है। बाकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दिया है सभी ब्लूटूथ स्पीकर्स का। कंक्लूजन की बात करूँ ना, अगर आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने, कम पैसों में बढ़िया चीज चाहिए एकदम, तो आप मीवी रोम 2 के साथ जाओ। अगर आपको साउंड के मामले में थोड़े ज्यादा अच्छे स्पीकर्स चाहिए, साउंड ज्यादा चाहिए, तो बोट वाले सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी पोर्टेबिलिटी के हिसाब से MI Infinity काफी अच्छे ऑप्शन है, काफी छोटे प्रोडक्ट्स हैं एंड JBL वाला भी वो लोग कंसिडर कर सकते हैं जिन्हें एक JBL का सिग्नेचर साउंड चाहिए, बट वहाँ पे आपको बैटरी इतनी अच्छी नहीं मिलती एंड प्राइस भी उनका थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। बट हाँ, अगर आपको थोड़े कम प्राइस में मिल जाए देन आप उन्हें कंसिडर कर सकते हो। सो गाइस बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना, बाकी नीचे कमेंट्स में आपको बताओ इनमें से कौन से स्पीकर्स आप लेना चाहते हो या कौन से ऑलरेडी ले चुके हो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी किसी नई वीडियो में। बाकी गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, नीचे बेल आइकन को भी दबा देना, सो दैट आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहे।